नमस्कार, अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां हरियाली तीज पर हरियाली से सरोबार हुआ शहर। हरियाली राजस्थान एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत जिले भर में एक ही दिन में लगभग 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज श्रावण मास के पवित्र त्योहार हरियाली तीज के अवसर पर जिले में एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर वन पटेल नगर विस्तार में आयोजित किया गया, जहां मियावी की पद्धति के तहत 2000 से अधिक पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग डॉक्टर मंजू बागमार, जिला प्रमुख बरजी देवी, प्रभारी सचिव राजन विशाल, जिला कलेक्टर अमित मेहता, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सहित विधायक, सभापति सहित कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। जिले भर में अभियान के तहत पहाड़ियों, चारागाह भूमि, सड़क किनारे, विद्यालयों, अमृत सरोवर, जल स्रोतों के किनारे पौधारोपण कर जिले को हरा भरा बनाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि सभी अधिकारियों को अभियान के तहत लगाए जा रहे पौधों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान हरियाली राजस्थान ऐप के माध्यम से पौधे लगाने वाले वृक्ष प्रेमियों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे गए। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। जो जिला स्तरीय वन सघन वन महोत्सव जो आयोजित किया भीलवाड़ा जिले के अंदर, निश्चित रूप से सभी लोगों ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया है और भीलवाड़ा जिले को जो टारगेट दिया गया था करीब 15 लाख पेड़ लगवाने, पौधे लगवाने का, उसमें करीब 72% उन्होंने 11 लाख से ऊपर पेड़ पौधे लगा दिए हैं और अभी भी जो है कंटिन्यू चल रहा है और करीब जो जियो टैगिंग के मामले में भी जो है भीलवाड़ा जिला अव्वल है। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और एक पेड़ माँ के नाम से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो अभियान चलाया, उसी के तहत जो है राजस्थान के अंदर भी हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी ने भी जो है पूरे राजस्थान के अंदर आज इस हरियाली तीज के अवसर पर पूरे राजस्थान को हरियालो राजस्थान बनाने के अंदर आज जो है एक साथ में जो है करीब 7 करोड़ के आसपास जो है पेड़ लगाए जाएंगे और जो है उसको एक रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा। धन्यवाद।